नमस्ते बच्चों, आरएसवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स के यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। क्लास सिक्स सब्जेक्ट संस्कृत, उसी की ही आपकी संस्कृत की बुक है रुचिरा, उसी का ही ये आठवां लेसन है। अष्टमे पाठ है सुक्ति स्तुभक, मतलब सुक्तियों का गुच्छा। तो हमने पार्ट ए में हमने पढ़ा था, फर्स्ट जो सुक्ति थी उसमें था हमारा कि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं कर सकता, तो इसी तरह से जब हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तभी हमारे कार्य सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। उसी की हमने दूसरी सुक्ति में पढ़ा था कि पाठ में पढ़े गए जो हमने पुस्तक है उसमें जो पाठ है उसमें जो भी पढ़ा है, अगर हम उसको अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे तो क्या होगा? अगर हम व्यवहार में नहीं लाएंगे तो ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या लाभ जो हमारे जीवन में ही सार्थक ना हो सके, जिसको हम अपने जीवन में ही ना ला पाए, तो ऐसे पाठ को पढ़ने से क्या लाभ। अब उसी के आगे आपका पार्ट टू, इसमें उसी के आगे की थर्ड नंबर की सुक्ति का हम पहले उच्चारण करेंगे। उच्चारण करने के बाद हम इन शब्द के आधार पर इसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। तो पहले हम उच्चारण करेंगे, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः, तस्मात् प्रियम् हि वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता। दूसरा फोर्थ है आपका, गच्छन पिपील को याति योजना नाम शतान्यपि, अगच्छन वैन्तेयो अपि वैन्तेयो अपि पद्म एकम न गच्छति। फिफ्थ है आपका, काका कृष्ण पिक है कृष्ण है को भेद है पिक पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काका काका है पिक है पिक है। तो आपका फर्स्ट है, वापस उच्चारण समझ लीजिए, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। फोर्थ आपका, गच्छन पिपील को याति योजना नाम शतान्यपि, अगच्छन वैन्तेयो अपि पद एकम न गच्छति। फिफ्थ आता है आपका, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद है पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काका काका पिकह पिक है। तो अब इनके ये है आपका शब्द अर्थ। तो पहले इनका फर्स्ट वाले का जो थर्ड नंबर का है, इसके शब्द अर्थ के आधार पर हम इसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से, प्रिय वचन मतलब मधुर वचन, मीठे वचन बोलने से, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं या संतुष्ट होते हैं, तस्मात् इसलिए, तस्मात् इसलिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए, वचने बोलने में, वचने बोलने में। तो अब इस शब्द के आधार पर हम इसका हिंदी अनुवाद समझेंगे। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने में सभी लोग क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य मतलब मधुर वचन बोलने से, मीठे वचन बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें हमेशा प्रिय वचन या मधुर वचन ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता कि वचन, मीठे वचन बोलने में कैसी कंजूसी, कैसी दरिद्रता। अर्थात क्या होता है कि हमें हमेशा कैसे वचन बोलने चाहिए? मधुर वचन, मीठे वचन हमेशा बोलने चाहिए। अगर आपसे कोई कड़वे वचन बोलता है तो हमें कितना बुरा लगता है ना, बहुत बुरा लगता है। तो इसी तरह से अगर हम किसी को कड़वे वचन बोलेंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। तो क्या है, इसी में यही कहा गया है कि हमें हमेशा मधुर वचन, मीठे वचन ही बोलने चाहिए। अब आपका आता है फोर्थ नंबर वाला, गच्छन पिपील को याति योजना नाम शतान्यपि, अगच्छन वैन्तेयो अपि पद्म एकम न गच्छति। अब इसके शब्द समझते हैं हम। पिपील कह नर चीटी,
याति जाता है। योजना नाम चार कोस, योजना नाम चार कोस। वैंतेय गरुड़, गरुड़ क्या है, पक्षी का नाम है। शतानी सौ, शतानी सौ, वैंतेय गरुड़ है, ये पक्षी है। तो अभी शब्द अर्थ है इसके, इसके आधार पर हम इसका क्या समझेंगे, अनुवाद। गच्छन पिपील को कि चलता हुआ जो चीटा है वो सैकड़ों योजन तक चला जाता है, कि जो चलता हुआ चीटा है चलते चलते वो सैकड़ों योजन तक चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। अगच्छन वैंतेयोपि न चलता हुआ गरुड़ पक्षी जो है वो एक कदम भी नहीं जाता। वापस समझ लीजिए इसको, गच्छन पिपील को कि चलता हुआ जो चीटा है वो सैकड़ों योजन तक चला जाता है, लेकिन अगच्छन वैंतेयोपि, लेकिन न चलता हुआ जो गरुड़ पक्षी है वो एक कदम भी नहीं जाता। अर्थात हमें हमेशा का अपना कार्य करते रहना चाहिए, हमें हमेशा अपने कार्य को आगे निरंतर उन्नति की ओर लेते रहना चाहिए। फिफ्थ आता है आपका काकह कृष्ण, काकह कौवा, कृष्ण काला, पिके है कोयल। कृष्ण है मतलब काला, काक है कौवा, पिके है कोयल। तो इसमें कौवा और कोयल उन दोनों के बारे में बताया कि दोनों काले होते हैं, लेकिन उनमें भेद कैसा होता है, हम उनको कैसे कैसे पहचानते हैं। तो काका कृष्ण है, कौवा भी काला है, पिके है कृष्ण है जो कोयल भी काली है, कि कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। को भेद है पिक का कहो, कि फिर कोयल और कौवे में भेद कैसा, दोनों में अंतर कैसा, दोनों ही काले हैं, कौवा भी काला है कोयल भी काली है, लेकिन फिर उन दोनों में अंतर किस लिए। तो अंतर बता रहे हैं इसमें, वसंत समय की, वसंत समय आने पर क्या होता है, कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। अर्थात जब वसंत ऋतु आती है तो उस समय क्या होता है, जो कोयल होती है वो अपनी मधुर वाणी में गीत गाती है, जिसको सुनकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोयल है और ये कौवा है। तो इससे क्या अर्थ निकलता है, कि ऊपरी दिखावे से, ऊपरी रंग रूप से कुछ नहीं होता, हमारी जो असली पहचान होती है वो होती है हमारी मन की सुंदरता से। हमारा मन सुंदर होना चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए वही वाली बात आ गई कि हमें हमेशा ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो दूसरों को भी अच्छा लगे। नमस्ते बच्चों।